और वहीं इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सही मायने में जीतू पटवारी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस खोखली हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत इतने बदतर है कि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने पीएम मोदी पर विश्वास जताते हुए अपना नामांकन वापस लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म वापस लेने के निर्णय पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बवाल कर रहे हैं, सही मायने में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उसी शहर से आते हैं जहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। सही मायने में तो जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से देश भर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कांग्रेस खोखली हो गई है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़ रहा है। कांग्रेस के देश के अंदर प्रदेश के अंदर इतने बदतर हालतें हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूं, तो ये कांग्रेस के हालात है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट है और देश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा मोदी जी के नेतृत्व में।